तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्धियराय नाथे, तोभ्यं नम शितितलामलभूषणाय, तोभ्यं नम श्रीजगत परमेश्वराय, तोभ्यं दमोजिन भवो दधिशोषणाय, बोली 1008 महामंडल विधान की, बोली पंचमृष्टि भगवंतों की, बोली अनंत आनंद सिद्ध मृष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, युवराजा श्री पद्मनंदी गुरुदेव की। बंधुओं, प्रभु भक्ति ही राग की आग को बुझाती है, प्रभु भक्ति ही राग की आग को बुझाती है, प्रभु भक्ति ही कर्मों के जाल को सुलझाती है, प्रभु भक्ति ही कर्मों के जाल को सुलझाती है। आज इस विधान के समापन के अवसर पर, ऐसा ही प्रतीत होता है कि प्रभु भक्ति ही रागी को वीतरागी बनाती है, प्रभु भक्ति ही इस आत्मा को मुक्ति दिलाती है। विगत अनेक दिवसों से आप इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना कर रहे हैं और आप लोगों ने विभिन्न आत्मा के पहलुओं को समझा, जैन होने का मतलब समझा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जैन, जैन की क्या परिभाषा है? जे शब्द से तात्पर्य है जस्टिस, जो न्याय के मार्ग पे चले। एक का मतलब होता है अफेक्शन, जो सभी जीवों से मैत्री भाव रखे। आई का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन, अर्थात जिसकी रुचि धर्म में लगी रहे। और एन का मतलब होता है नोवेल्टी, जो दयावान हो और जीवों की रक्षा करना जानता हो। ये चार गुण जिसमें विद्यमान हो उसे ही जैन कहते हैं। बंधुओं, अशांति को मिटाने के लिए नमकार मंत्र चाहिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जिन धर्म चाहिए। यदि भाव सागर से पार होना है, तो जिंदगी में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठना चाहिए, उसे दुनिया में कोई आसरा नहीं होता जिसका देव शास्त्र गुरु का सहारा। परेशानी भी परेशान होकर भाग जाती है, सच्चे गुरु भक्ति को जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। निश्चित रूप से आपने भक्ति की होगी, खुदा सुनता है बेशक, जो दुआ दिल से होती है, मुश्किल तो ये है, कि वो बड़ी मुश्किल से होती है। आप
लोगों ने भक्ति की, अब उसका रिजल्ट, जैसे कोई परीक्षा देता है तो उसका रिजल्ट भी दिया जाता है, तो उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा? आज मिलेगा? तुरंत थोड़ी रिजल्ट मिलता है, बाद में मिलता है। किस हिसाब से भक्ति की, किस भाव से भक्ति की, किन भाव से आराधना की, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन भाव से विधान की आराधना की। तो बंधुओं, मुस्कुराती हुई सुबह तो शाम में ढली होती है और जिंदगी की पीठ पर तो मौत लिखी होती है। विधान का जो शुभारंभ हुआ था, आज वे समापन के अवसर पर है। अब अपन का कर्तव्य है कि धर्म के मार्ग पर अपन कितना कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि फूल खिलते हैं झर जाते हैं, फूल खिलते हैं झर जाते हैं, और जो विधान में आते हैं वो वापिस चले जाते हैं। अमर रहते हैं सिर्फ वो ही जो आत्मा रूपी सागर में उतर जाते हैं, सिद्धों के दरबार में उतर जाते हैं। कितने नारियल चढ़े ये महत्वपूर्ण नहीं, कितनी पूजाएं की ये भी महत्वपूर्ण नहीं, कितने अर्घ चढ़ाए ये भी महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आपने किन भावों से भक्ति, जिन दर्शन में उसी के अनुसार से आपको नंबर दिए जाएंगे। मैं देख रहा हूँ सभी विधान में बैठने वालों को, हम देख रहे हैं कि कौन किन भावों से भक्ति कर रहा है। सभी लोगों के भाव बहुत अच्छे हैं, लगातार रूप से धर्म की आराधना कर रहे हैं। आज वह समय आ ही गया कि आज हम सामान्य इंसान नहीं रहे, इस विशेष की संज्ञा को प्राप्त कर गए। अब हमारा जो मोहरूपी निद्रा में सोए हुए थे, इतने दिन से आपको गंदों तक के छींटे लगे ना, तो क्या हुआ? सब्जी मंडी में एक बच्चा सुबह सब्जी लेने गया तो सब्जी वाला सुबह सुबह सब्जी पर पानी छिड़क रहा था, तो बच्चा 15 मिनट तक खड़ा रहा। सब्जी वाले ने कहा, भाई साहब क्यों खड़े हो? मम्मी ने भेजा है मुझे सब्जी लेने। तो सब्जी लेते क्यों नहीं हो? नहीं, आप सब्जी को होश में ला रहे हो, मैं समझाऊं, सब्जी होश में आ जाए उसके बाद मैं सब्जी खरीद। क्या कि मैं होश में लाने के लिए पानी नहीं छिड़क रहा हूँ, ताज़ा करने के लिए पानी छिड़क रहा हूँ। तो कुछ लोगों को तो होश में लाने के लिए पानी छिड़का जाता है और कुछ को ताज़ा करने के लिए। रिफाइंड हो गए अपन वापिस इस विधान की आराधना करके। हो सकता है कि कोई पहली बार से चक्र महामंडल विधान में बैठे होंगे, हो सकता है कि कोई पहले भी विधान में बैठे होंगे, तो वापिस रिविजन हो गया, वापिस डिफाइंड हो गए, क्योंकि मोबाइल को भी बार बार क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है। तो ऐसे ही समय समय पर आत्मा को रिचार्ज करने के लिए साल में एक बार विधान का आयोजन जरूर होना चाहिए, और आप लोगों ने किया, ये सभी के लिए। क्योंकि अपन क्या है, अनादिकाल के संस्कार है, बहुत लेजी हो जाते हैं अपन। 2-4 साल अगर विधान नहीं हो तो अपन भूल ही जाए क्या भक्ति। लेकिन आप लोगों की यहाँ धर्म नगरी है, जो आप बराबर से धर्म की आराधना कर रहे हैं और बराबर रूप से गुरुओं का सानिध्य आपको मिलता रहता है, क्योंकि हाईवे रोड है, नहीं कौन सी रोड है, हाईवे रोड है, आते जाते हैं साधु। लेकिन
हम अभी रास्ते के हिसाब से नहीं आए, न तो हमको कोटा जाना है न बूंदी जाना है, हमको जाना था जयपुर। और आप उस जयपुर वाले रास्ते से हमको मोड़ के लाए तो ये निश्चित रूप से आपकी भक्ति रूपी चुंबक का ही असर। तो मैं अगर कोटा बूंदी जाता और ये आप इधर आता तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि रास्ते ही हम जा रहे थे जयपुर, लेकिन आपने वापस रिवर्स गाड़ी कर दी, वापस उल्टा खींच लिया। तो ये मानना पड़ेगा कि कई बार पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, हालांकि आपको बिना पुरुषार्थ के साधुओं को समागम मिल जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार साधु का समागम मिले। किस्मत वालों को ही संतों का समागम मिलता है, और वो किस्मत आप लोगों में भरपूर है। तो बंधुओं, अष्टानी का पर्व है, लगातार तीसरी अष्टानी का हमारी ये चल रही है, जहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान केरल है, और तीनों जगह तीनों विधान बहुत ही सुपर डुपर हुई, अच्छी बात है, इसमें कहना नहीं पड़ेगा। ऐसा कम अवसर मिलता है कि साधु तो पदविहारी रहता है, और हर अष्टानिका में इसी तरह से सिद्ध चक्र विधान और इसी तरह से समाज जो सैकड़ों की संख्या में विधान में बैठना और इस तरह से भक्ति करना, एक कम अवसर मिलता है। लेकिन हम देख रहे हैं विगत अनेक सालों से बराबर हर अष्टानिका में विधान का आयोजन होता रहता है। तो इस बार की फागुन की अष्टानिका आप लोगों को अवसर मिली, और आप भक्ति के रंग में ऐसे रंग गए कि मानो होली खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये रंग तो ऐसा चढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि होली का रंग तो फिर भी उतर जाता है, लेकिन आप लोगों की भक्ति का रंग उतरने वाला नहीं। हम यही चाहते हैं कि हमेशा आप इसी तरह से भक्ति करते रहें। और विधान कितने दिन से चल रहा है, आज कौन सा दिन है, 9वां दिन, ठीक है ना। 9 वैसे भी आंकड़ा बहुत अच्छा है, वो कभी अपनी संख्या को नहीं छोड़ता। 9 को 2 से गुणा करो तो कितना होता है, 8, और ये कितने हुए, 9 को 3 से गुणा करो तो कितना होता है, 7, और 2 कितने हुए, 9 को 4 से गुणा करो कितना होता है, 6 और 3 कितने हुए, 9 को 5 से गुणा करो कितना होता है, 4 और 5 कितने, 9 को 6 से गुणा करो हैं, 5 और 4, 7 से गुणा करो, 6 और 3, 8 से गुणा करो, 7 और 9 को 9 से गुणा करो, 8 और 1, और 9 को 10 से गुणा करो कितना हुआ, 9 और 0 कितना हुआ। 9 अपनी संख्या कभी नहीं छोड़ता, तो उसी प्रकार से 9 दिवसीय विधान भी अपनी छाप जल्दी नहीं छोड़ेगा, ये आपके दिलो दिमाग में हमेशा बनी रहेगी। यही हमारी कामना है और यही हमारी इच्छा है, क्योंकि जो विगत दिनों से आप इस मंडल की आराधना कर रहे थे उसका रिजल्ट अभी आपको नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, जब आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, जब आपके घर में खुशहाली छाएगी, कोई आपको शुभ समाचार मिलेगा, कोई जिंदगी में परेशानी तकलीफ होगी जब वो दूर होगी, तब आपको खुद को भी बताने चलेगा कि वो पुण्य कहाँ से है, ये पुण्य आपने इतने दिनों में अर्जन किया। अभी तो हम हैं, लेकिन हम नहीं भी हो, हमारे जाने के बाद भी आप लोग इसी तरह से भक्ति आराधना करते रहें और इसी तरह से भगवान की पूजन अर्चना करते रहें। आपका मंदिर हरा भरा रहे, इस धर्मशाला में साल में एक विधान तो हमेशा होना ही चाहिए, इतनी अच्छी धर्मशाला बनाई है। तो मेरा यहाँ के ट्रस्टियों को कहना है कि मंदिर के अंदर तो हो ही, नीचे भी विधान का समय समय पर आयोजन होता रहे, ताकि लोगों को इस धर्मशाला में जो शादी ब्याहों की जो गूंज गूंजती है उसके साथ में थोड़े से धार्मिक अनुष्ठानों की भी गूंज गूंजती रहे, तो बराबर का हिसाब हो जाए।
ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जन कर सके। तो ये तभी होगा जब वर्गनाए पुण्य रूपी वर्गनाए के लिए आप लोग समय समय पर समायोजन कर दें। एक सेठ जी के चार लड़के थे और चारों लड़कों की शादी करा दी। क्या हुई? चारों के लिए एक से बढ़कर एक बहू लेकर आई और अच्छा जॉइंट फैमिली थी, भरपूर परिवार, धन की कोई कमी नहीं। लेकिन अचानक क्या हुआ, चौथे बेटे की शादी हुई, उसके कुछ दिनों महीनों के बाद अचानक सेठानी इस दुनिया से चल बसी। सेठ जी टेंशन में आ गए, कोई कमी नहीं थी, अच्छा करता है, अभी तक जॉइंट फैमिली में सारा डिसीजन सेठानी लेती थी, जो भी कोई काम होता था, जो भी कोई निर्णय होता था घर को चलाने का, सब कौन करती थी। अब अचानक ही सेठानी पता ही नहीं चला कि एक घंटे में बीमार पड़ी और दूसरे घंटे में है चल बसी। क्योंकि अच्छी मौत बहुत कम लोगों को आती है, वरना तो अधिकतर लोग अस्पताल में सड़ते सड़ते मरते। अब ऐसे समय में सेठानी तो चलो चल बसी, लेकिन सेठ जी थोड़े दिन तो गमगीन रहे, फिर बाद में अपने आप को संभाला, फिर सोच में पड़े कि अब घर को कौन चलाएगा। अब चारों भूमि से इतना सेठ जी का तो कॉन्टेक्ट था नहीं, सेठानी थी होशियार थी, किस बहू से क्या काम कराना। अब सेठ जी तो समझे नहीं, फिर सेठ जी इधर सोचे, लेकिन फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया, प्रवचन में जाने लगे, थोड़ा मन अच्छा लगा, महाराज जी से चर्चा की तो महाराज जी ने कहा सेठ जी चिंता नहीं करो, ऐसा ऐसा करो सब अच्छा हो जाए। तो सेठ जी फिर घर पर आए तो उन्होंने क्या किया, अचानक सभी बहुओं को बुलाया, सभी बहुएं आई और सबके हाथों में उन्होंने नौ नौ दान देने, कितने दाने दिए, नौ नौ दाने दे दिए, ये नौ अनाज के दाने तुम सभी को मैं दे रहा हूँ। क्यों पिताजी, मंदिर से प्रसाद लेकर आए हैं क्या? प्रसाद लाते तो कोई, ये अनाज के दाने का क्या मतलब है, गेहूं के दाने के लाने से क्या मतलब है? अब कुछ भी हो, दूसरी ने कहा तर्क मत करो, जो पिताजी दे रहे ले लो। चारों बहुएं ने वो ले लिए और बोला कि संभाल के रखना, मैं कभी भी तुमसे मंगवा सकता। अब समय बीतता गया, महीने बीते, एक साल बाद वापिस सेठ जी ने फिर एक एक करके बहू को बुलाया। सबसे पहले बड़ी बहू को बुलाया, तुमको याद है मैंने एक साल पहले मैंने नौ दाने दिए थे, क्या किया आपको, जर किचन से लाके दे देती हूँ। नहीं नहीं, मेरे को वही दाने चाहिए जो मैंने एक साल पहले दिए थे। तो बड़ी बहू कहती है पिताजी आपको क्या काम है उस, वो दाने चाहिए जो मैंने मेरे हाथ से दिए थे, मैंने कहा था संभाल के रखना। पिताजी मन ही मन सोचे कि लगता है सेठानी जाने के बाद इनका भी दिमाग चला गया, वही दाने से क्या मतलब है, नहीं मेरे को वही दाने चाहिए जो मैंने दिए थे नौ दाने। तो बड़ी वो बोलती है कि वो तो उसी समय जैसे आपने दिए मैंने तो अपने कमरे में जाके खिड़की से बाहर फेंक दी, क्या करना संभाल के, कोई सोना चांदी होता तो संभाल के भी जाऊं। पिताजी जा बेटा जा। दूसरे बहू को ससुर जी ने बुलाया, उससे पूछा भाई याद है मैंने तुमको एक साल पहले नौ अनाज के दाने दिए थे, क्या किए? हाँ हाँ याद तो है, क्या करना? पिताजी कोठे भरे पड़े हैं, ड्रम पड़े पड़े हैं, डिब्बे भरे पड़े हैं, आपको जितने चाहिए ले लो, वही अनाज के दाने में क्या है? नहीं मेरे को तो वही अनाज के दाने चाहिए। अब वो भी सोचेगी पिताजी क्या पता कैसे, अब वो तो सब इस तरह से बातें करेंगे तो यही समझेंगे कि सेठानी के बाद दिमाग भी चला गया। अगर मैंने तो किया क्या, तूने ये बता है कहाँ दाने, वो तो मैंने अपने कमरे में जाके उसको खा लिए, मेरे को भूख लग रही थी, कच्चे खा ली, कच्चे अनाज के दाने खा ली, क्या करती अनाज का अपमान थोड़ी करती।
मुंह में डाले और गई, पेट में चले गए। जातो तीसरे बहू को बुलाया, भाई मैंने 9 अनाज के दाने दिए, उसका क्या किया? तीसरी बहू ने कहा, पिताजी मैं आपकी आज्ञाकारिणी बहू हूँ, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूँगी। आप क्या समझते हो कि मैं उस अनाज के दाने को फेंक दूँगी? मैं ऐसी वैसी बहू नहीं हूँ, बहुत समझदार हूँ। पिताजी ने कहा, चलो एक ने तो मेरी बात मानी, लाओ अनाज के दाने लेके, आप भी लेके आते। अपने कमरे में गई, तिजोरी खोली, तिजोरी के अंदर डिब्बा निकाला, उसके अंदर डिब्बी के अंदर छोटी डिब्बी, फिर उसमें पुड़िया, और पुड़िया के अंदर वो लाके उसने ससुर जी को दी, यही वो 9 अनाज के दाने हैं, दादाजी आशीर्वाद दो, मैंने आपकी चीज़ 1 साल तक संभाल के रखी, और वो भी कौन से अनाज के दाने है ना आपके। पिताजी खुश हो गए, कम से कम तीनों बेटों में, तीनों बहुओं में से कौन सी बहू ने, तीसरी बहू ने उनकी बात। पिताजी ने कहा, चलो एक ने तो मेरी बात। फिर पिताजी ने चौथे बेटे की बहू को बुलाया कि भाई वो अनाज के दाने कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि आपको भी काम है? हाँ मुझे काम है, वही अनाज के दाने चाहिए। रहने तो क्या करोगे आप, जो मैंने करना था कर लिया। ससुर जी बोले, नहीं मेरे को तो वही अनाज के दाने चाहिए, लेके आओ अभी। तो वो छोटी बहू बोलती कि मैं तो यहाँ नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो फिर चलो तुम्हारे साथ। तो वह उस पिताजी को गाड़ी में बिठा के ले गई ससुर, और लेके सीधा वहाँ जो पास में पिछवाड़े, थोड़ी दूर पर एक खेत था, उस खेत में एक साइड में गोदाम था, वहाँ पे ले गए। गोदाम में पिताजी को बोला, पिताजी ये रहे, ये कहाँ? मेरे को तो वो दाने चाहिए जो मैंने दिए। उस गोदाम को खोला तो अंदर तो गेहूँ के भरे हुए बोरे पड़े थे। मैंने कहा, वो ही मेरे को अनाज के दाने चाहिए जो मैंने दिए, मेरे को इन गेहूँ से मतलब नहीं। तो बोलती पिताजी, उनको पहले प्रणाम करती, वो ये वही दाने हैं जो आपने मुझे दिए। जिस दिन आपने मुझे 9 अनाज के दाने दिए, मैंने अगले दिन उसको खेत में बो दिए, उसकी फसल होगी, उससे वापस जो अनाज है उसको वापस मैंने बो दिए, फिर फसल हुई, फिर बो दिए, उसके बाद ये सारे जो बोरे पड़े वो 9 अनाज के ही। पिताजी सोचने पड़ गए, ये तो छूट की बहू जो एकदम नई नई बहू है, अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत तेज वाले दिमाग की निकली। तो फिर उनको समझने में देरी नहीं लगी कि घर की चाबी जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए। तो बंधुओं, अब आपको जवाब मिल गया होगा कि सेठ जी ने घर की जिम्मेदारी किसको सौंपी होगी। तीन तीन जेठानी होते हुए भी उस छोटी सी देवरानी को, सबसे छोटी बहू को उन्होंने इसलिए सौंपा कि ये इस घर की कीर्ति को, सुख समृद्धि को आगे बढ़ाएगी। और उन्होंने बाकी बहुओं को भी नाराज नहीं किया। बड़ी बहू ने कमरे को बाहर फेंक दिया था, तो उसको घर की सफाई की जिम्मेदारी सौंप दी कि तो सारा कचरा साफ करना, सारा कचरा बाहर ही। दूसरी बहू ने खा लिया तो उसको किचन की जिम्मेदारी सौंप दी, खाने पीने के काम। और तीसरी बहू ने संभाल के रखा तो चौकीदारी तू करेगी, कोई भी चीज इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। और चौथी बहू को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी और उसको मिला। तो जिसको जैसा स्वभाव था, क्योंकि चौथी बहू ने 9 अनाज के दाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की और अगले दिन उसको खेत में बो दी। 9 के उसने कितने ढेरों सारे 9 बोरे अनाज पैदा कर दिए। तो यही दीपदीमानी है। तो इसी प्रकार से हमने देवली में आकर आपको सिद्ध चक्र विधान में 9 दिवसीय विधान में 9 दाने दिए हैं ज्ञान के। अब मुझे देखना है कि इस विधान के समापन के बाद आप क्या करोगे। बड़ी बहू की तरह फेंक दोगे या दूसरी बहू की तरह खा जाओगे या तीसरी बहू की तरह यहीं के यहीं संभाल के रखोगे या सबसे छोटी बहू की तरह जो भक्ति आपने की
जो ज्ञान आपने प्राप्त किया उसको और ज्यादा बढ़ाओगे, क्या करोगे? वापिस कभी हम सुनने में आए या कभी देखने में आए या कभी हम वापिस देवली इसी रास्ते में आए या नहीं आए या कभी सुने, तो हमको पता चलना चाहिए कि देवली में जो विधान हुआ उस विधान के फल स्वरूप मतलब लोगों में जन चेतना जागृत हुई, लोग उस विधान के माध्यम से और भी ज़्यादा ज्ञानी बने, तो ही हमको लगेगा कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराना सार्थक। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान रचा, इसका फल आप समझ गए ना। कहानी के माध्यम से आपको स्टोरी इसलिए सुनाई ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। खाली विधान को यहीं पर ही समाप्त नहीं करना, कहने का मतलब तो आज अपन बोल रहे हैं इसका समापन हो गया, लेकिन अपन को समापन नहीं करना है। क्या करना है? इसके द्वारा जो हमने भक्ति और ज्ञान प्राप्त किए इसको और आगे बढ़ाना है। हमको इस विधान की जाप रोज करनी है। इस विधान के हवन के बाद सभी जने एक एक नियम जरूर लें ताकि याद रहे कि इस विधान के उपलक्ष्य में हमने अपनी जिंदगी में एक गुण को अंगीकार किया। कुछ भी छोटा से छोटा भी नियम ले, लेकिन जरूर जितने भी विधान में बैठे लोग हैं वो सब एक एक नियम लेके जाएं। कुछ जो ज्वाला प्रसाद है वो शांति प्रसाद बन जाए, जो ज्वाला मालिनी देवी है घर पे जाए तो बहुओं को भी लगे कि भाई आज तो सासू माँ एकदम शांति देवी बन गई। इसी तरह से मतलब इस विधान का असर है कि जो लोग बड़बड़ाते हुए गुस्सा करते हुए घर में एंट्री करते हैं तो घर वालों को लगना चाहिए कि भाई एकदम शांत हो गए। जो बबूल के पेड़ की तरह है वो गुलाब के फूल की तरह बन जाए तो ही इस विधान को करना सार्थक रहेगा। जो नई बहुएं हैं उनके भी जीवन परिवर्तन आना चाहिए इस विधान के माध्यम से, उनके भी ड्रेसिंग टेबल पर शीशियों की संख्या कम हो जानी चाहिए और वो भी धर्म की आराधना में बढ़ने चाहिए। और मेरा यही कहना है कि सभी लोग इस विधान के माध्यम से कुछ न कुछ परिवर्तन हो तो आप लोग का ये विधान करना सार्थक रहेगा, वरना तो विधान हो रहे होते रहेंगे। और लेकिन आप सभी ने जिस भावना से हमको बुलाया है, मुझे यहाँ के लग रहा था सब लोग की देवली जाके क्या होगा, लेकिन मुझे संतुष्टि है कि आप लोग यहाँ लेके आए, मेरा आना सार्थक रहा। जो आप अच्छी संख्या में निरंतर उपस्थित रहे और संपूर्ण दिगंबर जैन समाज जुड़ी, मुझे लग रहा था कि एक ही मंदिर के लोग 5-10 लोग ही बैठे रहेंगे बिठा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देवली में स्थित संपूर्ण दिगंबर जैन समाज इस विधान में जुड़ी और इस विधान के सभी क्रियाकलापों में भाग लिया, सुबह शाम आप बराबर रूप से आए। संपूर्ण दिगंबर जैन महावीर दिगंबर जैन ट्रस्ट के माध्यम से इसी चक्र महामंडल विधान हुआ, उसका लाभ न केवल संपूर्ण दिगंबर समाज देवली ने लिया अपितु आसपास के गांव के लोगों ने भी लिया। जो भी लोग बाहर से आए उन सब ने प्रशंसा की कि देवली में आयोजन अच्छा हो रहा है। हमारे पूरे संघ की तरफ से आप सभी को यही इंद्रेन्द्राणी को मंगलमय आशीर्वाद कि आपका ये विधान आपके जीवन में खुशहाली लाए, दिन दुनी रात चुगनी सुख समृद्धि की भी वृद्धि हो, यही मंगलमय आशीर्वाद। विधान में जो 8 उपवास की तप आराधना की उनको भी हमारा मंगलमय आशीर्वाद, घर वालों को भी हमारा आशीर्वाद कि इन्होंने इतनी बड़ी तप की आराधना की। विधान में जिन्होंने कॉम्प्लीट है कि उनको भी हमारा मंगलमय आशीर्वाद है। और इसके अलावा भी जिन जिन्होंने भी तप किए, जिन जिन्होंने तप आराधना की, उन सभी को हमारा मंगलमय आशीर्वाद है। यहाँ पर उपस्थित विधान में नहीं बैठकर भी जिन लोगों ने यहाँ पर विधान की अनुमोदना की, फिर से चाहे चेयरमैन होकर कुर्सी पर बैठे हो, चाहे वृक्ष के नीचे बैठे हो, चाहे वो इधर दर्शक दीर्घा में बैठे हो, उन्होंने भी इस विधान में भाग लेकर 4 चांद लगा दिए, सभी को हमारा यही मंगलमय आशीर्वाद है कि देयरफॉर डू नॉट अट्रैक्शन टुवर्ड्स कर्मास एंड दिस सिद्ध चक्र महामंडल विधान आर काजेस ऑफ
respectively causes of liberation and God bless you. सभी जन को हमारा यही इंद्र इंद्राणी को सभी को यही मंगल. विधान कराने वाले युगल भैया को भी हमारा मंगलमय आशीर्वाद है, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस विधान में कोई कमी आने नहीं दी. और हमारे संगीतकार महोदय ने भी इस विधान में जान फूंक दी, सबको अच्छी भक्ति कराई. और हमारे साउंड मास्टर को भी पूरा उपस्थित है, उनको भी आशीर्वाद. जिस जिस विधान में प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग दिया उनको भी सबको मंगलमय आशीर्वाद.